उन्होंने ये कहा कि जनमत स्वीकार करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुन लेते हैं। कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी, क्योंकि भाजपा ने झूठ बोलने के अलावा ने केंद्र की मोदी सरकार ने किया और राजस्थान में भाजपा 13 जगह बिखरी पड़ी है। उनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे हैं, उनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं। कोई सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ न कोई आंदोलन किया, स्वयं वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और जिस प्रकार से टिकट उन्होंने सरेंडर कर लिया पहले ही, जो कैंडिडेट ये कह रहा है मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन राजेंद्र जी राठौड़, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ को अगले चुनाव में वहाँ से लड़ने के लिए वो सीट वैकेंट चाहिए, इसलिए बलि का बकरा बना करके और उसको हरा दिया, वही कमान संभाले हुए थे। क्या हुआ फिर? अब आप कह रहे हो कि हम 2023 में जीतेंगे, तो आपका नमूना आ गया ना आपके सामने, आप 9 में से 1 जीते हो राजसमंद और 1 साझा उम्मीदवार थे खींवसर में, बाकी सारी कांग्रेस जीत रही है। तो ये क्या है? ये गुड गवर्नेंस है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। ये राहुल गांधी जिस प्रकार से देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं, ये लोगों को अब समझ में आ गया कि राहुल गांधी सही है और मोदी जी केवल झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं। को अशोक पिंचा ने भी